वेलकम बैक टू स्पीड अप। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ बात करेंगे और हम आरआरबी जेई 2018 और 19 का बैच स्टार्ट हो चुका है। बैच स्टार्ट हुआ है 30 दिसंबर 2018 में स्टार्ट हुआ था। अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। और आज से अनाउंसमेंट कर रहा हूँ आरआरबी जेई 2018 और 19 के हम बात करेंगे, सिलेबस इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और सिलेबस बात करेंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो ये जेई और आईटी ग्रुप का एग्जामिनेशन का है। ठीक है, लेकर चलते हैं आपको। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले चलता हूँ, ये चलता है स्पीड अप एजुकेशन का ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। स्टूडेंट्स यहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं आरआरबी जेई की। ये देखिए आरआरबी जेई का ये रीजनिंग का वीडियो पड़ा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए ये फॉर्म, हाउ टू फिल फॉर्म करें, कैसे फॉर्म को फिल करें, विच वन इज बेटर आरआरबी जेई एंड एसएससी जेई की, आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन दे सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आरआरबी की स्टार्ट क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये सिविल की, सॉरी ये भी रीजनिंग की क्लास है। और ये देखिए जनरल अवेयरनेस की क्लास है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्लास है ये। इस क्लास के बारे में आप फील पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छा फील आएगा। काफ़ी अच्छा है, इन्होंने एक्सप्लेनेशन करते हैं अभिषेक सर हमारे। और ठीक है, ये आरआरबी जे का क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आज से आरआरबी जे का मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये आरआरबी का। अगर आपने लेटेस्ट पैटर्न का वीडियो नहीं देखा 2018-19 का कि कैसा क्या पैटर्न है आरआरबी का, तो वो जरूर देख लीजिए। और अगर आपको सिलेबस का वीडियो देखना है तो यहाँ से आप CBT 1 के सिलेबस की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे CBT 1 का सिलेबस के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन दिया है। ये हाउ टू कैसे, मतलब क्या क्या सिलेबस है, ये लेटेस्ट सिलेबस आरआरबी का। ठीक है, और ये बैच स्टार्ट का अनाउंसमेंट है, कितनी क्लासेस डेली चलती हैं और कैसे कैसे हमारा शेड्यूल वगैरह है। अब लेके चलते हैं आपको आपके सिलेबस की ओर कि ये सिलेबस फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जाम ग्रुप जेई आई टी का सिलेबस क्या है। ठीक है, आपको आज इस सिलेबस से हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले ये सिलेबस ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट होता है पीसी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। पीसी सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या होता है, एमएस विंडोज होते हैं, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है एंड एमएस पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट के बारे में वर्ड, एक्सेल और विंडोज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो इससे पहले जो भी हमारे फैकल्टी हैं आपको पढ़ाएंगे। क्या करेंगे, पहले आपको टॉपिक का डिस्क्रिप्शन करेंगे, टॉपिक के बारे में बताएंगे क्या सेल्स वगैरह होती हैं, कैसे क्या फॉर्मूला टाइप होता है, वो सारे बता के आपको। उसके बाद आपको एमसीक्यू कराएंगे, पहले टॉपिक को समझाएंगे फिर आपके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स। क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स है नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आप इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स बात करेंगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के बारे में बात करेंगे, सारे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को समझेंगे और इंटरनेट कैसे लैंड वाइंड सारा पूरी हर एक प्रोसेस को समझेंगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट आता है लैंग्वेज के बारे में समझते हैं। यहाँ पे सी लैंग्वेज के बारे में, सी लैंग्वेज का पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ना, स्ट्रक्चर, लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू लूप, जितने लूप्स होते हैं उनके बारे में समझेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, एरे क्या होते हैं, पॉइंटर्स को समझेंगे, फंक्शन को समझेंगे और हम स्ट्रक्चर को समझेंगे और यूनियन कमांड फाइल को समझेंगे। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज से, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, वो सारे हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टार्ट होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, सीओ बोलते हैं इसको। ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होगा जिसमें हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में क्या होता है कि जब हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, सॉरी ऑक्टा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल, हेक्सा टू बाइनरी, इस तरह कन्वर्जन को हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। ये एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% आते हैं। ठीक है, और 3 से 4 भी आते हैं। लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे, और गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है, नैंड गेट क्या होता है, और यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स को देखेंगे। फिर फ्लिप फ्लॉप्स को देखेंगे, रजिस्टर्स क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स मेमोरी बेस पे होते हैं, क्या होता है, बुलियन एलजेब्रा को देखेंगे। ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं सारे वो लॉ होते हैं, स्टैटिक सारे लॉ होते हैं ना, एप्रोप्रिएट लॉ वगैरह सारे लॉ को समझेंगे, बुलियन लॉ होते हैं, और डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह देखेंगे और डीएमए समझेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट्स के वगैरह में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिफ्थ हमारा सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसमें हमको पढ़ना है इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में देखना है, ओवरव्यू ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम को देखना है और ई कॉमर्स देखना है। मैं आपको ई कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ। यहाँ पर ई कॉमर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स को बोलते हैं, जिसके थ्रू जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं, ई कॉमर्स में ट्रांजेक्शन होते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा, डिटेल स्टडी होगी, वो हम लेक्चर में करेंगे पूरे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम को देखेंगे और डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझेंगे, डेटा स्ट्रक्चर को समझेंगे, स्टैक को समझेंगे, क्यू को समझेंगे, पॉइंटर समझेंगे, लिंक लिस्ट समझेंगे, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम देखेंगे, एल्गो देखेंगे। ठीक है, आता है डीबीएमएस, फंडामेंटल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फंडामेंटल्स को देखेंगे। इसमें बेसिस की बात करें, सबसे पहले डीबीएमएस, डीबीएमएस के बेसिस देखेंगे, डेटा मॉडल्स को देखेंगे,
आरडीबीएमएस को देखेंगे यहाँ से, फिर रिलेशनल एल्जेब्रा देखेंगे, फिर एसक्यूएल देखेंगे, सॉरी डीडीएल देखेंगे और डीएमएल देखेंगे और डीसीएल स्टेटमेंट्स को देखेंगे, फिर क्रिएटिड टेबल्स देखेंगे, हाउ टू क्रिएटिड टेबल, इक्यू ज्वाइंट देखेंगे, सेल्फ ज्वाइंट देखेंगे, पीएल स्क्वायर एसक्यूएल देखेंगे और फंक्शन देखेंगे और कर्सर एंड ट्रिगर्स देखेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सिस्टम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, जैसे बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग, बैक एंड फ्रंट एंड, असेंबलर्स, लोडर्स, लिंकर्स, माइक्रो प्रोसेसर एंड कंपाइलर्स के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस यूजिंग लाइनक्स देखेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे, टाइप्स, फीचर्स, बेसिक्स, आर्किटेक्चर ऑफ लाइन, यूनिक्स, लिनक्स सिस्टम, यूनिक्स फाइल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर, लिनक्स कमांड्स, ठीक है, फॉर फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, और देखेंगे फिल्टर्स एंड पाइप्स देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग फाइल्स देखेंगे विद वीआई एडिटर देखेंगे, और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, रोल ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजिंग यूजर अकाउंट्स को भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। बढ़ते हैं 10 सब्जेक्ट की ओर। अगर आपको उसका सिलेबस नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके सिलेबस को नोट कर सकते हैं। ठीक है, वेब टेक्नोलॉजीज एंड प्रोग्रामिंग की बात करें, इसमें इंटरनेट आता है और इंटरनेट आता है। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को देखेंगे, लाइक बस, इथरनेट, लैन, राउटर्स, गेटवेज, ब्रिज, स्विचेस, सबनेट एटसेट्रा। इसमें सारे आप लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन, एमएएन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। ठीक है, बस देखेंगे और सारी टोपोलॉजीज वगैरह वो हम आगे बात करेंगे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP देखेंगे, बैकबोन्स देखेंगे, इंटरनेट के बैकबोन्स TCP/IP बोलते हैं, नैप देखेंगे, URL देखेंगे। ठीक है, IP देखेंगे, डोमेन नेम देखेंगे, ईमेल, वेब सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, वेब कैचेस पूछते हैं, फिर वेब ब्राउजर लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट वायरसेस, ठीक है, इंटरनेट सिक्योरिटी इश्यूज, फायरवॉल, डेटा इंस्क्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर्स एंड सर्टिफिकेट देखेंगे, जो SSL वगैरह हम लेते हैं, क्रिएटिंग द वेबसाइट्स एंड होम पेज देखेंगे, HTML देखेंगे जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डायरेक्ट ऑप्शन में क्वेश्चंस कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, प्रोग्रामिंग बेसिस देखेंगे, सिंटेक्स एंड रूल्स देखेंगे, सर्च एंड सर्च इंजन ऑफ फॉर इंटरनेट एंड आउटलुक स्पेस फॉर फ्रंट पेज देखेंगे। ठीक है, ये सिलेबस की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, आप इसका नेक्स्ट सिलेबस देते हैं, सब्जेक्ट नंबर 11 पे आते हैं। ठीक है, 11 हमारा है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में तो सिस्टम कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे, सिस्टम कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, सिस्टम प्लानिंग के बारे में देखेंगे, फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स देखेंगे, टूल्स फॉर डॉक्यूमेंटिंग प्रोसीजर एंड डिसीजंस को देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे स्ट्रक्चर देखेंगे और एनालिसिस करेंगे, डेटा फ्लो एनालिसिस करेंगे, फ्लो डायग्राम देखेंगे, डेटा डिक्शनरी देखेंगे, एप्लीकेशन प्रोटोटाइप देखेंगे। सिस्टम डिजाइन में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को देखेंगे, देन स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, फिर डिजाइन की बात करेंगे और इनपुट आउटपुट फाइल्स के थ्रू कंट्रोल प्रोसीजर देखेंगे, फिर प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन एटसेट्रा, डिजाइन ऑफ कंप्यूटर आउटपुट एंड इट्स प्रेजेंटेशन को समझेंगे अच्छे से। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर होता है जिसमें बात करेंगे डेटा एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन जो हमारा होता है उसके बारे में बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग नेटवर्क, क्राइटेरिया, प्रोटोकॉल एंड स्टैंड, सारे प्रोटोकॉल समझेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल और सारे जितने प्रोटोकॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, टोपोलॉजी समझेंगे, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, सारी टोपोलॉजी को समझेंगे, OSI मॉडल देखेंगे, लेयर्स देखेंगे, TCP और PIP प्रोटोकॉल देखेंगे, डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन देखेंगे और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन देखेंगे, डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन देखेंगे, स्टैंडर्ड्स एंड मॉडल्स को देखेंगे, केबल मॉडल को समझेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया गाइडेड देखेंगे, अनगाइडेड मीडिया देखेंगे और परफॉर्मेंस वेवलेंथ पे बात करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग बात करेंगे, डी मल्टीप्लेक्सिंग की बात करेंगे, कैसे 1:64 मल्टीप्लेक्सिंग होती है, मक्स होता है, फिर DSL के बारे में बात करेंगे, एरर डिटेक्शन देखेंगे और करेक्शन देखेंगे, सारे कोड होते हैं ना, और VRC और LRC भी देखेंगे और CRC देखेंगे। ठीक है, ईथरनेट देखेंगे, टोकन बस और टोकन रिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ज्यादा ईजी और इंटरेस्टिंग सेक्शन है पूरा 12th नंबर, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और ईजी सेक्शन है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 नंबर की तरफ, सब्जेक्ट नंबर 13 हमारा 1313 जावा की प्रोग्रामिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, जावा एंड इंटरनेट की बात करेंगे जिसमें सपोर्ट सिस्टम एंड इन्वायरमेंट होता है, JVM जिसे बोलते हैं, डेटा टाइप और प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखेंगे और कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स को देखेंगे, टाइप कास्टिंग देखेंगे, ऑपरेटर्स को देखेंगे, क्लास को देखेंगे और क्रिएटिव ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझेंगे, क्लास मेंबर्स के बारे में समझेंगे, इसमें कंस्ट्रक्टर्स, ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, एरेस के बारे में समझेंगे, क्रिएटिंग थ्रेड्स एंड थ्रेड्स क्लास के बारे में देखेंगे, थ्रेड्स मेथड देखेंगे और थ्रेड प्रायोरिटी देखेंगे, सिंक्रोनाइजेशन देखेंगे, एप्लेट्स देखेंगे और एग्जीक्यूटेबल एप्लेट देखेंगे और एडिंग एप्लेट टू HTML देखेंगे, पूरा प्रोसेस समझेंगे, फाइल और पासिंग पैरामीटर्स टू एप्लेट्स देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट है 14, जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस होता है, लाइफ साइकिल्स मॉडल्स बोलते हैं, सिस्टम इंजीनियरिंग बोलते हैं। क्या सॉफ्टवेयर प्रोसेस की बात करते हैं, लाइफ साइकिल मॉडल्स को देखेंगे और सिस्टम इंजीनियरिंग के बारे में समझेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आएगा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के बारे में समझेंगे, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल प्रोटोटाइपिंग समझेंगे, वेरिफिकेशन समझेंगे और वैलिडेशन को समझेंगे, ठीक है। फिर अगर डिजाइन कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स को देखेंगे, इसमें डिजाइन हेरिस्टिक होगा, आर्किटेक्चरल डिजाइन होगा, यूजर इंटरफेस डिजाइन होगा, सिस्टम डिजाइन होगा और एससीएम प्रोसेस होगा। देन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में समझेंगे, टाइप ऑफ टेस्ट देखेंगे, कितने टाइप के टेस्ट होते हैं, टेस्टिंग स्ट्रेटजीज को देखेंगे, इंटीग्रेशन एंड वैलिडेशन को देखेंगे और टेस्टिंग सिस्टम एंड टेस्टिंग एंड डीबगिंग देखेंगे, एरर को समझेंगे, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को देखेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझेंगे, फिर उसके समझेंगे मीजर्स एंड मीजरमेंट को देखेंगे, कॉस्ट एस्टिमेशन देखेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर की, ठीक है, कैसे कॉस्ट एस्टिमेशन की जाती है, क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं समझेंगे, और टास्क नेटवर्क को देखेंगे और एरर ट्रैकिंग को देखेंगे और केस टूल्स को समझेंगे अच्छे से। ये था पूरा सिलेबस हमारा, क्या कहते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स का सारा सिलेबस था इस एग्जाम ग्रुप का, ये सारा सिलेबस था। इसकी बारे में डिटेल स्टडी करनी हम लोगों को, तो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पीसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, या आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं स्टार्टिंग में तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि सर इस टॉपिक को सबसे पहले स्टार्ट किया जाए, चाहे वो डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क हो, प्रोटोकॉल्स हो, इंटरनेट हो, सी लैंग्वेज हो, सी प्लस प्लस हो, जावा के बारे में पढ़ना हो, नंबर सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या डीबीएमएस के फंडामेंटल्स पढ़ना हो, आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, पीसी सॉफ्टवेयर वगैरह पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, हम सबसे पहले उसी उसी टॉपिक को फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे जो जो भी चीज़ें हमारे लाइव हो सके व्हाइट बोर्ड के साथ पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और कुछ चीज़ें आपको जो प्रोग्रामिंग करके दिखानी होगी वो हम आपको लैपटॉप के थ्रू लाइव आके दिखाएंगे प्रोग्रामिंग्स के बारे में, और जो भी इंस्ट्रक्शन सेट्स वगैरह दिखाने होंगे, मक्स दिखाना होगा, डी एरर वगैरह और नंबर सिस्टम को होगा वो हम लोग व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा देंगे, ठीक है। लॉजिक गेट्स वगैरह होंगे, गेट्स बनाने होंगे, फ्लिप फ्लॉप बनाने होंगे, तो इसमें क्या होता है थोड़े डायग्राम होता है, डिजाइनिंग वगैरह होती है, तो इसमें हम आपको कंप्यूटर के थ्रू कोशिश करेंगे, आपको लैपटॉप के थ्रू स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू आप लाइव करके आपको सब समझाएंगे, ठीक है। अब जैसे बूलियन अलजेब्रा के लॉ वगैरह ये तो हम आपको इस पे क्या कहते हैं व्हाइट बोर्ड पे ले लेंगे, और कम्युनिकेशन सिस्टम है जैसे आपको डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सुपर डुप्लेक्स, इसके पूरे अंदर ब्रीफ में जाएंगे, तो सारी चीज़ हम बोर्ड पर कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो सिलेबस हमारा रहेगा वो कंप्यूटर पर करवाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आपको फील दिलाना होगा, आपको रियल प्रैक्टिकल नॉलेज पे काम करेंगे। तो ये था हमारा सिलेबस के बारे में, और मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सिलेबस तभी आपके काम आएगा अगर आप आरआरबी जे में जा रहे हैं, जब तक आप सीबीटी वन क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप सीबीटी टू को एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, आप सीबीटी टू जिसमें आपका टेक्निकल जो भी हमने सिलेबस का डिस्क्रिप्शन किया है और जो डिटेल स्टडी करेंगे वो हमारे तभी काम आएगी आरआरबी जे में, जब तक हम सीबीटी वन क्लियर करेंगे। विदाउट इंटरव्यू में आप तभी पहुंचते हैं जब आप रिटर्न क्वालिफाई करते हैं, ऐसे ही सीबीटी टू में तभी आप पहुंचेंगे जब तक आप सीबीटी वन क्लियर नहीं कर लेते हैं। तो मैं आपको पर्सनली और यही रिक्वेस्ट करूंगा और ये रिकमेंड करूंगा, ये सजेशन दूंगा आपको कि आप क्या करो, सबसे पहले सीबीटी वन की फुल प्रिपरेशन करो। सीबीटी वन की फुल प्रिपरेशन आपको करनी होगी, सीबीटी वन की फुल प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आरआरबी जेई 2018-19 हमने बैच स्टार्ट किया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उस बैच को आराम से ज्वाइन करिए और सबसे पहले सीबीटी वन की प्रिपरेशन करिए। सबसे पहले आप सीबीटी वन के लिए करो, जो आपका क्वालिफाई राउंड है, स्क्रीनिंग इन नेचर है, ठीक है, इसमें आपकी कोई मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट बनेगी आपकी सीबीटी टू बेस्ड है। लेकिन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जो आपका सीबीटी वन राउंड है, ठीक है, जो सीबीटी वन राउंड है आपका, उसमें क्या होगा कि स्टूडेंट्स सीबीटी वन राउंड में सबसे ज्यादा स्टूडेंट अपियर करेंगे, और क्योंकि उसमें हर ब्रांच के स्टूडेंट्स का पेपर कॉमन होने वाला है, जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, सभी लोगों को ये पेपर देना है, ठीक है। जब ब्रांच वाइज आएगी तब आपको अपनी अपने आपको अपनी नॉलेज शो करनी है, यहाँ पर आपको कॉमन नॉलेज शो करनी है, कॉमन स्टूडेंट आएंगे, मतलब सारे स्टूडेंट आएंगे जिसको आपकी अपनी अपनी नॉलेज शो करनी है। तो सीबीटी वन को क्रैक करने के लिए आप अरबी जे 2018-19 बैच स्टार्ट करिए। देखिए ये सारा सिलेबस पड़ा हुआ है, यहाँ चल रही है, यहाँ पे जीए चल रहा है, और आर से मैकेनिकल स्टार्ट हो जाएगा, मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगी और जनरल साइंस का फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्रिपरेशन करें इसकी, और मैं आपसे ये बोलूंगा यहाँ से चैनल सब्सक्राइब कर लें, ये चैनल सब्सक्राइब करने का तरीका है, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और ये नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक जरूर कर लें। जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तभी आपको वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, क्योंकि अगर आप सीपीटी वन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन आइकन पे जरूर बेल आइकन हिट कर लें। और आज से आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स के वीडियो चल रहे हैं, रीजनिंग आपको रात में 9 बजे मिलती है, मैथमेटिक्स 10 बजे मिलेगी और जनरल अवेयरनेस शाम को 7 बजे और फिजिक्स 8 बजे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पीड अप एंड विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।